ऐसा माना जाता है कि जुपिटर प्लेनेट को सर्वप्रथम 7वीं या फिर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बेबोलियन के खगोलविदों द्वारा खोजा गया था। जुपिटर प्लेनेट का अध्ययन करने के लिए नासा ने अब तक टोटल 8 अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया है, जिसे सन 1979-2007 के बीच नासा द्वारा जुपिटर की कक्षा में भेजा गया था। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट हैं उनके पास 1 से 2 चांद हैं, और कई तो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना चांद ही नहीं है। पर जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास टोटल 79 चांद हैं। ज़रा सोचो, अगर इतने उपग्रह हमारे धरती के पास होते तो ये हमारी धरती कैसा दिखती? जुपिटर की आंतरिक सतह चट्टान, धातु और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनी हुई है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा है। इसमें कई तरह के कलरफुल बादल पाए जाते हैं जिनका रंग लाल, पीला और सफ़ेद है। यह बादल ग्रह पर स्विफ्टस के रूप में दिखाई देते हैं। इनके वातावरण में मनुष्य एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, और इस ग्रह पर इंसान के लिए सांस लेना भी असंभव है। बृहस्पति का कोर के आंतरिक क्षेत्र में 3 क्षेत्र शामिल हैं। पहला एक चट्टानीय कोर है जो ठोस तत्वों से बनी हुई है, और जो दूसरा है वो लिक्विड हाइड्रोजन की एक परत है, और तीसरे क्षेत्र में हीलियम के साथ साधारण हाइड्रोजन की परत है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।